मैं स्वरणजीत कौर गवर्नमेंट ITI वूमेन जलंधर तो टीचर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हाँ। पार्ट वन दे विच मैं तुहानू प्लाजो की ड्राफ्टिंग पैटर्न लेआउट ते कटिंग करनी सिखाई सी। हुण पार्ट टू दे विच मैं तुहानू प्लाजो की स्टिचिंग करनी सिखावांगी। प्लीज़ इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना अते बैल आइकन ते क्लिक करना। हुण मैं प्लाजो की स्टिचिंग करन जा रही हाँ। मैं इस प्लाजो नू पॉकेट लगाउणी है, इसलिए मैं इसका फ्रंट पीस सज्जे पासे वाला चुकया है और उसका 2 इंच मेरा उपरों फोल्ड है, 4 इंच ते मैं निशान लगाया है, उस तो अगे मैं 6 इंच मूँह का निशान लगाया है। दैन मैं पॉकेट कटांगी, घट तो घट 6.5 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबी, जिस नू मैं 6 इंच उसका भी मूँह रखांगी और उपरों यह इस दे नाल अटैच हो जाएगी। तो इतों मैं इसका मूँह बना के तुहानू दसदी हाँ किस तरह इसनों अटैच किया जाता है। इतने मैं इस दे नोचिस लगा लवांगी। हमेशा पॉकेट लगाते समय उसकी सिलाई नू पक्का करो। हुण असी इत्थे इस नू कुछ इस तरह करके टक लगावांगे तां जो इस तरह पॉकेट दा मूँह सीधा बन जाएगा। ये कुछ इस तरह बाहर वाल आ जाएगा। इतों असी जो जॉइंट करांगे सिलाई जॉइंट हो जाएगी, यह पॉकेट का होल रह जाएगा। इसनों अच्छी तरह नौ दी भन दे नाल सैट करो जां प्रेस दी हेल्प ले लवो। इत्थे असी एक पैर दा बखिया एक पैर दी सिलाई लगावांगे जो कि बहुत ही सोहनी लगती है। हुण असी इसनों अंदरों दी सिलाई मार के पॉकेट नू जोड़ देवांगे। इस पॉकेट नू कुछ इस तरह जोड़ा जांदा है, सीधे पासे इस दे नीचे सिलाई लगेगी तां जो जदों असी इस नूं पुट्ठी करांगे आ सीधा पासा साढ़े सीधे पासे नज़र आए। असी अंदर दे पासों नीचे तो पॉकेट की सिलाई कर देवांगे। हुण इस पॉकेट नूं मैं इस तरीके नाल सीधी करांगी। फ्रंट दे उपर मेरी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। हुण मैं बैक दा हिस्सा उठावांगी, इस फ्रंट दे नाल जोड़ांगी। हुण मैं यह मेरी बैक है, आ मेरा फ्रंट है जिस ते मैं पॉकेट लगाई हुई, इस नूं कुछ इस तरीके दे नाल मैं जोड़ांगी। मैं पहला इस दे उपर सिलाई लगा ली है तां जो इस दे बिल्कुल नाल नाल दी मैं सिलाई कढ़नी है कि मूँह बंद ना हो जाए। इस सिलाई नूं मैं सिरे तक लगा, मैं दोनों हिस्सों ते साइड दी सिलाइयां ला ली हैं। मैं हुण इनसाइड दी सिलाई लगाउण लगी हाँ, ये भी मैं पूरी दी पूरी लगावांगी। जदों भी असीं इत्थों सिलाई लगाउंदे हाँ इस नूं पक्की जरूर करना हुंदा है। इस तरह ही मैं दूसरे लैग्स की भी इनसाइड सिलाई लगावांगी। मेरे दोनों लैग्स बन के तैयार हो गई हैं। हुण मैं एक लैग नूं पुट्ठी ही रखांगी अते दूसरी नूं सिद्धी करांगी। फिर मैं जो लैग सिद्धी कीती है उसनूं पुट्ठी दे अंदर वल दी सुट्टांगी। कुछ इस तरह करके आसन नूं मिलाउंदे हुए मैं सिलाई उपर तक लगावांगी, बिल्कुल अंदर दीआं सिलाइयां नूं मिलाउंदे हुए मैं आसन दीआं सिलाइयां घुमा के लगावांगी। इस सिलाई नूं हल्का हल्का खिंच के लगाउणा चाहीदा है तां जो मैं आसन दी सिलाई कंप्लीट कर ली है। हुण इस नूं मैं सीधा करांगी।
इस तरह लगी हुई आसन की सिलाई के नाल पजामे नूं कदी भी खिच नहीं पैंदी। ए मेरा आसन बन के तैयार हो गया है। हुण मैं प्लाजो दे नीचे घेरे फोल्ड करांगी। सिलाई नूं चीरदे हुए मैं इस दे घेरे फोल्ड करांगी। मैं इस नूं ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करांगी। जिन्ना ट्राउज़र दी मूहरी खुली हुंदी है उसका उन्ना ही घट फोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। ट्राउज़र दी मूहरी जिन्नी भीड़ी होवे उसका ज़्यादा फोल्ड ज़्यादा चंगा लगता है। मेरे पौंचे नीचे तो फोल्ड होकर तैयार हो गए हैं दोनों पौंचे। हुण मैं उपर इलास्टिक पाउण दे लई एक सिंगल फोल्ड उपरले पास्यों फिनिशिंग लई दिता है। फिर मैं इसके फोर सैक्शन किए हैं दोनों आसन वाले पासे इधर और इधर। आसन तो पूरा अद्ध करके फोर सैक्शन कर ले हैं। इस तरह ही मैं इलास्टिक ली है। इलास्टिक मैं वेस्ट का 1/4 + 2.5 इंच लूज ली है। इसदे भी मैं फोर सैक्शन कर ले हैं। इसन ज्वाइंट लगा लिया है। इसदे भी फोर सैक्शन किए हैं। इन्हों फोर सैक्शनों हूँ मैं इस तरह इतने ज्वाइंट लगावगी इधर भी इतने भी तो इधर भी। मैं इस दे फोर सैक्शन ते ज्वाइंट लगा लिया है। हुण इस नूं बड़े बखिए की हैल्प नाल मैं इस दे उपर वाले और नीचे वाले पासे कुछ इस तरह सिलाई लगावांगी। इत्थे मेरा फोर सैक्शन होया है। आ मेरे विच प्लीट्स पै जाणगे। इस नूं मैं खिच के बड़े बखिए की मदद दे नाल इस तरह सिलाई लगावांगी। इस तरह ही मैं चारों सैक्शनों नूं पूरा करांगी। बहुत सोहनिया चुनटा पै के इलास्टिक पै जांदी है। पहला मैं इस तरह इलास्टिक जमाई फिर उस तो बाद इसनों फोल्ड करके एक टॉप ते सिलाई लगाई। दैन मैं इसनों इस तरह सिलाई लगा के फिनिशिंग दिती जो कि बाहरों बहुत ही सोहनी लगती है। मेरी इलास्टिक पै के तैयार हो गई है। यह मेरी पॉकेट बन गई है। मेरी सिलाई दे विच कोई भी खिच नहीं आ रही है। प्लाजो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करियो। थैंक यू।